ऑल इंडिया फोरम देवकाली पर राष्ट्र पदाधिकारियों व जी पॉइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर देवकाली शाखा के समस्त अभिकर्ता और पदाधिकारियों ने विश्राम दिवस मनाया। इसके साथ साथ LIC मेन ब्रांच बैनीगंज में भी पदाधिकारियों ने कार्य बहिष्कार कर विश्राम दिवस मनाया। देवकाली शाखा के अध्यक्ष संजय शुक्ला ने बताया कि हम आज अपनी कई मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पॉलिसी धारकों से पॉलिसी रेट पर अधिक ब्याज, पॉलिसी प्रीमियम पर GST हटाई जाए, इसके साथ साथ पॉलिसियों पर बोनस बढ़ाया जाए आदि। वहीं LIC मेन ब्रांच संगठन के महामंत्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव LIC के पदाधिकारी आज पूरे प्रदेश में विश्राम दिवस मना रहे हैं। उच्च अधिकारियों से हम यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें, अन्यथा हमारे कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक चलता रहेगा। कमेटी की ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, जिसके आह्वान पर हम लोगों ने ये स्ट्राइक 1 सितंबर से ही सांकेतिक हड़ताल किया है, जिसमें हम लोग प्रतिदिन 1 घंटे गेट मीटिंग करते हैं और स्लोगन साइटिंग करते हैं। उसके बाद फिर 5 तारीख को ये पूरे ऑल इंडिया की डिमांड थी कि आज पूरे भारत में अभिकर्ता संघ, लियाफी और जो भी कमेटियाँ हैं, हमारी JWC ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, उसके तहत ये आह्वान किया गया था कि आज 5 तारीख को हम लोग कार्य से विरत रहेंगे और विश्राम दिवस मनाएंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग सुबह से ही यहाँ पे अपना विश्राम कर रहे हैं और हम लोग आज कोई LIC से संबंधित कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या मांग करेंगे? मांगे हैं, सबसे पहले तो हम अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए 2-3 डिमांड रखे हैं, जिसमें पहला डिमांड ये है कि उनको जो लोन दिया जाता है पॉलिसी पे, उस पर ब्याज बहुत अधिक है, वो ब्याज कम किया जाए। दूसरी GST है, GST हमारे पॉलिसी पे ना लगाई जाए, क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स GST देने से इतराता है। और तीसरी डिमांड ये है कि पॉलिसी होल्डर हमारे ऑफिस में आता है और जिनके पास एजेंट नहीं है तो इधर उधर भटकता है, उसको भटकना ना पड़े, हमारे पॉलिसी होल्डर को बेहतर सेवा दी जाए। एजेंट तो सब काउंटर पर जानता है कि कैसे काम कराना है, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स को मालूम नहीं होता, वो इधर से उधर भटकता है, अधिकारी लोग इधर से उधर उसको टहलाते हैं। तीसरा ये है, चौथा ये है कि पॉलिसी पे हमारे इधर बोनस कई सालों से नहीं बढ़ा है, हमारी पॉलिसियों पे बोनस बढ़ना चाहिए, जबकि हमारा व्यवसाय काफ़ी बढ़ चुका है और उसके साथ साथ बोनस भी पॉलिसी होल्डर्स को बढ़ना चाहिए, जिससे हमारे पॉलिसी होल्डर अट्रैक्ट हों। हम लोग बीमा तो समझा के अच्छा से कर लेते हैं। कब तक जो है ये करते रहे? पूरा 30 सितंबर तक के लिए है, जिसमें हम अभी 15 सितंबर को भी विश्राम दिवस मनाएंगे, फिर 30 सितंबर को भी मनाएंगे और 21 सितंबर से और 21 सितंबर तक, 18 अक्टूबर से और 21 अक्टूबर तक, ये 3 दिन का हमारा विश्राम दिवस रहेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंजनी कुमार श्रीवास्तव है। किस पद पे आपने? यहाँ पे मैं मुख्य बीमा सलाहकार हूँ और संगठन में किस संगठन में हम महामंत्री पद पे कार्य कर रहे हैं। ऑल इंडिया की स्ट्राइक है, 20 सूत्री मांग है, जिसमें पहली मांग है कि हमारे अब पॉलिसी धारकों का बोनस बढ़ाया जाए और दूसरी चीज़ है GST को कम किया जाए, तीसरी मांग हमारी है कि जो भी हमारे अभिकर्ताओं की ग्रेजुटी है उसको बढ़ाई जाए और भी जो कस्टमर्स का GST लग रही है उसको ख़त्म किया जाए और लोन का जो ब्याज हमारा कस्टमर दे रहा है उसको भी कम से कम रिड्यूस किया जाए। और भी हमारे 20 डिमांडेड हैं, जिसमें हमारे एजेंटों की डिमांड है, एजेंटों की ग्रेजुटी है, ग्रुप इंश्योरेंस बढ़ाया जाए, मेडिक्लेम्स वो बढ़ाई जाए और उस पर इन सब की मांगों को लेकर हम लोग का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऑल इंडिया 30 नवंबर तक का कार्यक्रम है, हम लोग का आज तक का प्रोग्राम है। आज हम लोग का पहला प्रोग्राम ये था कि गेट पर कोई भी BOC, कोई भी RPR, कोई भी प्रीमियम पॉइंट्स, LIC का कोई भी, सभी बंद रहेंगे और कल से हम लोग 1-1, 2-2 घंटे पर धरना प्रदर्शन ब्रांच में करते रहेंगे, काली पट्टी बांध करके हम लोग उसका प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे अपने अधिकारियों से? मांग कर जो हमारी 20 सूत्री कार्यक्रम जो ऑल इंडिया ने हमें मुझको कॉल दिया है उस पर ले लें, उस पर विचार करें और उनकी मांगों को मंजूर दिया जाए। हम लोग क्या नाम आपका? संजय शुक्ला। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।